वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गोरखपुर के NIC हॉल सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ के अलावा CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर NK पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि आइसोलेट मरीजों के गंभीर स्थिति के लिए अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। 108 नंबर के 50% एम्बुलेंस को कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखा जाए, जिससे कोई समस्या आने पर उन्हें तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित किट उपलब्ध कराया जाए, उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन का कार्य तेज किया जाए तथा अधिक से अधिक टेस्टिंग कराकर मरीजों पर निगरानी रखी जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, यहाँ से जियो आपको भेजा है कि 50% एम्बुलेंस आपके संरक्षण में रहना चाहिए। संबंध होते हुए 50% एम्बुलेंस आप कोविड ड्यूटी में रखेंगे, बाकी आप छोड़ेंगे। फिर हमने कर लिया होगा, जितने भी जनपद इसको सुन रहे हैं, सब लोग ने इसको 50% कर लिया है कि नहीं? सब लोग ने कर लिया 50% एम्बुलेंस आपको उपलब्ध है 50%। ये सभी जनपदों में 7 दिन का स्टॉक है, जिसमें आपका एस्ट्रोमाइसी और तमाम भैया है जो आप होम आइसोलेशन में पैकेज बना के देते हैं। ये पैकेज आपके कम से कम उन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ भी आपके होम आइसोलेशन है, वहाँ उनके घर तक RRTP के द्वारा पहुँचना चाहिए। अभी भी बहुत जगह ये पैकेज नहीं पहुँच रहे, सूचना आप लोग आ रही है। इसलिए जब आप होम कंसल्टेशन या उनसे नहीं करेंगे अपने IEEE या डॉक्टर के माध्यम से, वो पेशेंट आपका घबरा जा रहा है और जैसे उसको कोविड जाना है तो कह रहा है हमको हॉस्पिटल में भर्ती करिए और हमको रेमडेसिविर तमाम इंजेक्शन ये सब दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। इसलिए जब आप उसको कंसल्टेशन करेंगे, छोटे जिलों में आप लोग अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ तो है ही, ये सब जनपदों में दिक्कत आती है, मगर ये क्योंकि संख्या अधिक आ रही है, ये अपने टीम के माध्यम से आप लोग जरूर वो होम आइसोलेशन के पैकेट पहुंचा दीजिए और उनसे संपर्क उदाहरण के साथ उनकी एडवाइस मिलते रहे, एक सांत्वना मिले रहे, जिससे वो पर्याप्त से अपना रोल कर पाएंगे। दूसरी बात आपका रेमडेसिविर के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है, अपर मुख्य सचिव ने आपको बता दिया कि उसका कैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उसका अलॉटमेंट होना चाहिए, वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया होता है रेमडेसिविर देने का। एक बात कही गई है कि हर आदमी चाहता है कि हम अपने फ्रिज में रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के रख दें और उनको मिलता तो है नहीं, इसलिए रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी ACA साहब ने बताया, उसी हिसाब से जो भी आप लोग का अपने अस्पताल में अगर डॉक्टर बहुत केयरफुली उसको रिकमेंड करें और लगाने की आवश्यकता हो तभी लगाए, क्योंकि वो 100% ये नहीं है कि रेमडेसिविर लगाने से ही आपका सारे समस्या दूर हो जाए, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए इस बात को आप लोग पेशेंट को भी समझाना चाहिए कि लोग आपके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये ज्यादा डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, इस बात का भी आप लोग पूरा IEEE पर आप लोग का मुझे लगता है कि सब CEO की बैठक शाम को अपने जिलाधिकारी या कमिश्नर के साथ बैठक होती होगी या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, ये सिस्टम आपका जरूर अपने जनपदों में जिसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करिए कि जैसे पहले चलता था। आज मान लीजिए आपके यहाँ पेशेंट अधिक आ रहे हैं, होम आइसोलेशन जाएंगे, कौन से हॉस्पिटल में जाना है उनका मैनेजमेंट वहीं से करना CCC से, क्योंकि वही हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है। आपका CCC के माध्यम से अलॉटमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जिसका आप अपने मेडिकल कॉलेज संबंधित मेडिकल कॉलेज या आपके जो भी व्यवस्था जनपद में है, वहाँ आपको उस व्यक्ति को उस हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए जो व्यवस्था आपका CCC से है, उस CCC के द्वारा ये प्रबंधन आपका सही तरह से होना चाहिए। तो जो भी CMO इस बात को देखते हैं या आपके प्रभारी जो भी उस CCC के बैठे होंगे स्वास्थ्य विभाग का, वो जरूर इसको मैनेज करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज की कोरोना की स्थिति जो है उसकी समीक्षा की जा रही थी, जो कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसकी समीक्षा कर रहे थे क्या क्या करेंगे जिससे कि कम हो जाए। और वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया कि वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो कंट्रोल करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। सर, होम आइसोलेशन के लिए क्या, होम आइसोलेशन के लिए जो
नीडी हैं, जिनको जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए, और लेकिन उसमें हमारी आरआईटी टीम जो है विजिट करती रहे और हमारी ट्रिपल आईसी से फ़ोन जाता रहे लगातार कि आप स्वस्थ हैं, और होम आइसोलेशन वाले भी हमारी ट्रिपल आईसी में बताते रहें, अपने बारे में जानकारी देते रहें, दवाइयां जो आरआरटी टीम लेके जा रही है उसको खाएं, और हम सभी घर के सभी सदस्य को लिए दवाई हम दे रहे हैं, जो पॉजिटिव है उनके लिए तो है ही है, जो निगेटिव है उनको भी दे रहे हैं, वो भी दवाइयाँ खा लें जिससे कि जान माल का खतरा कम हो जाए और इस पर रोका जा सके। एम्बुलेंस की सर क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस में हमारे पास कहा गया है कि हम जो 108 एम्बुलेंस जो हैं उसमें से 50% एम्बुलेंस कोविड के लिए लगा दी जाए, तो हमारे पास 46 एम्बुलेंस हैं जो 108 की हैं, उसका 50% जो 21 पर हमारे पास हमने लगा दिया है, दो हमने ALS लगा रखी है, तो इसका टोटल में 23 एम्बुलेंस सिर्फ कोविड मरीजों को ट्रांसपोर्ट के लिए लगा रखा है।